मगर हमें जो अपना नेचुरल टैलेंट है ना ज़ारा का, क्या वो आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है वो जीन्स के थ्रू आया होगा और वो सारा एक अलग बात है और यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मगर अपना जो काम है ज़ारा का डे वन, जो रोमांटिक सीन्स आपने उसमें किए बहुत इंटेंस थे और बहुत आला पाई के। अगेन मैं एज ए प्ले राइट, मैं यहाँ कहूँगा कि मैं ये बात सिर्फ एक होस्ट नहीं कह रहा, एक प्ले राइट के तौर पर बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही जो यानी कि बैन अक्वामी में आर के जो रोमांटिक सीन्स अच्छे होते हैं ना, इसमें बाज़ुकात आपके पास जुमले नहीं होते, सिर्फ आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल रहा होता है। ये रोमांस और ये फीलिंग्स जो है वो कैसे आप कैरी करती हैं, उसको कैसे डिपिक्ट करती हैं आप? रोमांस तो मैं दीवार के साथ भी कर सकती हूँ। क्या कहने? तो फिर असद बेचारे का क्या होगा? क्या कहने? असद तो मेरी जान है, असद तो खैर, असद तो इज लाइक माई रॉक। तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं। असद बहुत डीप है, वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं है। किस नौयत के रोमांटिक है सर? वो इस नौयत के रोमांटिक है कि मैं जिंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो करेंगे कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक है कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं जिंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ कर देते हैं। वाह 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 वा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी, तू भी शेर है पुत्र, पर तू का पंजाबी समझ आती है? जी जी, मैं पंजाबी हूँ। नहीं आती, जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। दसो फिर मैं उनकी क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुसी पंजाबी बोलो ना तो फुल चढ़न गए, थोड़ी सारी चांद नाल पंजाबी भी हो जानी चाहिए। की चाहते हो तुसी? मैं की कहां? ओए मैं की दसा, मैं की चाहता? मैं तो इतनी दादर गिड़दा हो गया। तो तुसी कह देना कि चांद बहुत सोहना है। चांद बहुत सोहना है। हाँ, उन्हें इंज उत्ते इशारा करके मेरी उम्मीदों को ग्रहण ला के रख। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई अस्मा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है। बट पता है एक्चुअली तो सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे अम्मा बाबा के रिलेशनशिप में है। और उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी, दैट्स नॉट राइट। बट अ लॉट ऑफ वीमेन, बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है, और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है, या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है, ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफ दे बात है। इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, अल्लाह माफी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ। बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड। अच्छा ज़रा, आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी है ना, तो आपने करीब से देखा है ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार, इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहले। हाँ, शरारतें, छेड़छाड़, और फिर इतना एतबार के आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को, मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, उनको इससे परवाह नहीं है। ये कैसे डिवेलप हो सकती है, कैसे डिवेलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। 2+2 नहीं है, टू ईच टू देयर ओन है। जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना चाहिए। आपने उन दोनों से क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की जिंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ। आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत, और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं, प्यार में एहसास बहुत है और केयर बहुत है। वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं। मियाँ बीबी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए। आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी, अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी। अरे वाह,
राइट, यानी कि औरतों को मर्दों को लिवरेज देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर औरत को हक चाहिए, बड़ी अहम बात कर रही है, उसको तफसील से बयान किया। हाँ भाई, वरना फिर मुझे भी बंदूकें निकल जाएंगी सबकी। नहीं, अच्छी बात, अगर औरतों को अपने हक चाहिए कि वो अपने हक राइट ऑफ वर्क चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो मर्द को भी राइट ऑफ वर्क। क्या आप समझती हैं, शो से कार बखावांगे लाल, मर्दों के ऊपर भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डल गई है बहुत सारी चीज़ों की। बच्चियों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी ख्याल रखना है, घर पे प्रोवाइड भी करना है, रेंट भी देना है, ग्रोसरी भी करनी है, दिस इज अ लॉट ऑफ बिल भी देना, तीन चार बिल भी देना है, और वो बिल तो आता भी ऊपर का है ना, वो नॉर्मल थोड़ियां आता है। मुझसे तीन चार एसी है ना, क्या करें, तीन चार एसी, ये अंबानी खानदान से ना चार पांच एसी। हाँ, वो मैंने कहा तीन चार एसी, मेरे घर में तो एक वक्त इस महंगाई में हम एक एसी ऑन करके कहते हैं बस इधर साथ साथ रहो। खबर है भाई, खबर है, ज्यादा मुआवजा लेने वाली हमारी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक जो है वो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी है, और वो सिर्फ एक एसी चला के सोते हैं सारे। हाँ, हम कोशिश ये कर, क्योंकि महंगाई है भन्ना। पिछले दिनों जैसे मुझे हमारे घर में जोक हो रहा था कि भाई इस दफा सब दाल खाएंगे और सब्जी खाएंगे क्योंकि एसी चल रहे हैं, गोश्त और चिकन घर में नहीं आएगा। हमने कहा ओके डन, हम दाल और सब्जी में बेस्ट है, बस एसी नहीं बंद हो, एसी ना तरले कर रहे, कोई गोश्त भी खा। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आप क्या समझती हैं वर्किंग लेडी की हैसियत से, खातून खाना की हैसियत से, माँ भी हैं आप, बीवी भी हैं, और बहुत कुछ आपने अब ज़िंदगी में देखा है, आप क्या समझती हैं कि भाई मर्द को भी, मर्द के भी कौन से तीन चार हुकूक जो हैं वो अब उसे मिलने चाहिए? शाहजी ने गल बड़ी पसंद आई, और उन्होंने बोला किस तरह मिलने चाहिए, शाहजी चाहते हैं कि कुछ और कहें, वो तो कह दें। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। खवातीन भी मिलजुल के कुछ काम करें, मतलब हाँ, जितने लोग घर में हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करें, और आई थिंक अ प्रेजेंट फादर एंड अ प्रेजेंट हस्बैंड इज बेटर देन अ बिजी फादर एंड अ बिजी हस्बैंड। उनके ऊपर जो हर वक्त का है कि कमाना है तो बाहर ही रहना है, जाओ बाहर किसी तरीके से, वो फिर अगर प्रेजेंट नहीं होंगे घर में, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे, तो वो बहुत है। प्लस आई थिंक मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं कम्पेयर टू वेमेन, ये रिसर्च कहती है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड सिगरेट नहीं पिए क्योंकि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौसर। असद पीते नहीं? नहीं, घर वापस जाना है। नाज़रीन, ये उसी किस्म की, ये असद से आप सवाल कीजिएगा, मेरे तो वो नहीं पीते, मैंने तो कभी नहीं देखा। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक और बेपनाह आर्टिस्ट, वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ज़ारा।